हेलो दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए अमित का यूनिक स्टार से। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह से ग्राम सभा का संचालन होता है, किस तरह से ग्राम सभा की मीटिंग्स होती हैं, कैसी रूपरेखा बनाई जाती है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कि किसी भी ग्राम सभा में कितने वार्ड मेंबर होते हैं, यानी ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत गठित करने के लिए हमारे यहाँ चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से दो व्यक्तियों का, या दो पदों पे चुनाव होता है अगर हम कहें तो। एक होता है ग्राम प्रधान का, दूसरा होता है ग्राम पंचायत सदस्य का। ग्राम प्रधान के लिए एक बंदे का चुनाव होता है, लेकिन ग्राम पंचायत सदस्य के लिए अलग अलग ग्राम सभाओं में अलग अलग संख्या में पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। तो किसी भी ग्राम सभा में कितने सदस्य होंगे, वह किस रूप में तय होता है, आइए जानते हैं। तो अगर दोस्तों 1000 तक की अगर मतदाता है वहाँ पे, यानी ग्राम सदस्य जो है, ग्राम सभा सदस्य अगर 1000 तक है, तो वहाँ पे सदस्यों की संख्या 9 होती है। जहाँ पे 2000 तक की जनसंख्या होती है, ग्राम सभा सदस्य होते हैं, वहाँ पे ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या होती है 11। यदि ग्राम सदस्यों की संख्या 3000 तक है, तो वहाँ पे ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या होती है 13। और दोस्तों, अगर 3000 से ऊपर जनसंख्या है, तो वहाँ पे ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या होती है 15। तो दोस्तों, मिनिमम 9 और अधिकतम 15 ग्राम पंचायत सदस्य हो सकते हैं आपके ग्राम सभा में। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास होनी चाहिए, तो उस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब अगली बार हम वीडियो अपलोड करें, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।